मैं नरेंद्र पाल सिंह, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस जनपद बरेली में मेरी पोस्टिंग है। आज हमारे जो 6 तारीख और 8 तारीख और 6, 7, 8 को जो कार्मिक धरना यूको गार्डन मेटलों में बहादुर साथियों द्वारा किया गया था और 9 तारीख के लिए पूरे प्रदेश से 5-5 पदाधिकारी आए थे, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष शेरगढ़ से नथुलाल सागर और हमारे बराबर में बैठे श्रीमान सहायक विकास पंचायत अधिकारी, उससे बराबर में हमारे बैठे जिला अध्यक्ष मनोज कुमार वाल्मीकि, और मीटिंग में ये हम लोगों को बुलाया गया कि सर जी, जो 9 तारीख को बैठक हुई, 9 तारीख को धरना इको गार्डन में दिया गया था, आपकी वार्ता विशेष सचिव से हुई थी, विशेष सचिव महोदय द्वारा क्या मांगें पूरी की गई? मुझे लगता है कि 9 अगस्त से जब वार्ता की गई एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से, उस मांगों पे आज तक सरकार द्वारा कोई मांग पूरी नहीं की जा रही। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कोई हमारी अलग से मांग नहीं है, तथाकथित संगठन ये चाहता है कि 20% कोटा ग्राम पंचायत अधिकारी पे दिया जाए। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ उसका घोर निंदा करता है और उसका विरोध करता है। हम वो मांग मांगना चाहते हैं जो 6 फरवरी 2014 को निदेशक महोदय पंचायती राज महोदय ने जो प्रस्ताव भेजा था, जिसमें यह कहा गया था कि सफाई नायक, ब्लॉक पर्यवेक्षक, जिला निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति इनकी की जावे। हम वही तो मांग मांग रहे हैं, हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। हम उन पदों को चाह रहे हैं जिन पदों पे 1,08,884 पद जो सृजित हुए थे और आज पूरे प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा लड़के जो भर्ती हैं, जो पद बचे हुए हैं, हम उन पदों पे सरप्लस करना चाहते हैं। हम अलग से कोई मांग हमारी नहीं है। यदि हम आपके चैनल के माध्यम से हम जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि या हमारे उच्च संबंधित उच्च अधिकारी महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारी जो डायरेक्टर महोदय द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है सफाई नायक का, ब्लॉक पर्यवेक्षक का, जिला निरीक्षक का, हमें वो दे दीजिए। हमारा दूसरी मांग ये है, मेन मांग हमारी है कि हम ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय की पंचायत में हमारी भर्ती हैं अधिकारी महोदय, तो हम भी उस पंचायत में रहते हैं, हम पंचायत विभाग में हैं, तो हमारी भी सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली अलग से बनना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत अधिकारी महोदय की है तो हमारी सेवा नियमावली बनना चाहिए। हम सेवा नियमावली और सफाई नायक, ब्लॉक पर्यवेक्षक, जिला निरीक्षक के पद यदि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किए जाते हैं, आगामी 2019 में हम पूरे प्रदेश का 1,00,000 कर्मचारी इसका विरोध करेगा, क्योंकि हमारा 10 साल होने जा रहे हैं और 10 साल में हमारी पदोन्नति होने का रास्ता साफ है। 2018 नवंबर में हमारे 1900 की ACP लगेगी और हम ये चाहते हैं कि 1900 को ग्रेड पे हम लोगों का यदि सेवा नियमावली होती तो आज हम 1900 ग्रेड पे हमारा लग जाता। बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों का निरंतर धरना प्रदर्शन करने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में रू नहीं उग रही है। हमारी आपसे अपील है कि आज हम इस शेरगढ़ ब्लॉक में बैठे हैं, हमारा भ्रमण पूरे प्रदेश में चल रहा है कि 9 सूत्रीय मांगों पर हमारी जो वार्ता जो हमारी 9 तारीख को हुई है 2018 अगस्त में, उस पर तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संबंधित बाबू अधिकारियों द्वारा हमारी मांग पूरी की जावे। सबसे पहले सफाई नायक, ब्लॉक पर्यवेक्षक, जिला निरीक्षक और सेवा नियमावली बनाई जावे। और दूसरी बात यह है कि मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने धरना लगाया था तो मुख्य सचिव महोदय ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक एक आदेश जारी कर दिया कि विशेष अभियान में सुरक्षा के लिए आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। हमने उनका आदेश माना, हमने उनका उस आदेश का मान सम्मान करा पूरे प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा। उसमें यह कहा गया, हमने अपने संगठन से कि 5-5 पदाधिकारी बुलाए। यदि हमने आपका आदेश माना है तो हमारा भी आपसे निवेदन है कि सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता 1900 ग्रेड पे और हमारा जो सेवा नियमावली का रास्ता शीघ्र खुलाई जावे। और हमारी मांग इसके साथ साथ ये है कि यदि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो हमारा जो मासिक बिल के आधार पर
जो अन्य लोगों का वेतन निकल रहा है उसकी तरह हमारा वेतन निकलना चाहिए, जनता के चुने हुए से हमारा वेतन नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उससे हमें दिक्कत होती। हमारा प्रथम निरंतर पदाधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, हमारे उनके द्वारा निकलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि यदि हमारे प्रधान जी हैं और प्रधान जी के साथ में एक आज 5 वर्ष के लिए एक प्रधान होते हैं और उसके बाद दूसरे प्रधान चुन जाते हैं, तो जो हमारे हारे हुए प्रधान हैं वो हमारे अस्त्र दुश्मन हो जाते हैं और दूसरे जो प्रधान होके हम पास जाते हैं तो वो जुड़ते हैं आपस में, हम लोग पार्टी बंदी से बंध रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी निरंतर है, हमारा जो अन्य मासिक बिल के आधार पर तनख्वाह निकल रही है वैसे ही निकलना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर हमारी 9 सितंबर को बैठक है और पूरे प्रांत के हमारे पदाधिकारी बुलाए हैं और आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। विधानसभा के लिए हम निश्चय घेरेंगे। इसी के साथ मैं जय संगठन, जय महासंघ।